संसद सत्र से पहले स्थायी समिति की बैठक में गूंजा पीएनबी घोटाला। लगातार दूसरे दिन बैंक का शेयर 13% गिरा। बैंक के एमडी ने कहा, फ्रॉड करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी देश छोड़कर फरार। मुंबई की संपत्ति हुई सील। नीरव मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पीएनबी घोटाले मामले पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 दिन की भारत यात्रा पर हैदराबाद पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इस्तीफा दिया। सीपीएन यूएमएल के चेयरमैन केपी शर्मा ओली नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन को मिला था भारी बहुमत। और असम के जोरहाट में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलटों की मौत।